स्माइल डिजाइनिंग में एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर होता है टीथ वाइटनिंग, जिससे कि हम आपकी टीथ को वाइटन कर सकते हैं, एक यंग और अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं। तो क्या टेक्निक है जिससे हम सबसे फास्ट तरीके से आपके टीथ को वाइट कर सकते हैं? मैं डॉक्टर विशाखा जैन इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे आप सिंगल अपॉइंटमेंट में अपने टीथ को वाइट कर सकते हैं। कॉमन तरीका होता है, बहुत स्टैंडर्ड तरीका है, प्रोफेशनल टीथ वाइटनिंग जिसको बोलते हैं, दैट इज द वे जिससे हम आपके टीथ को वाइटन करते हैं। तो इसके जो स्टेप्स होते हैं उसमें सबसे पहले हम एक क्लीनिंग करते हैं जिसे स्केलिंग बोलते हैं, सारे जो भी डिपॉजिट्स हैं टीथ पर उसको रिमूव करते हैं। फिर हम वाइटनिंग का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं जिसमें हम गम्स को सबसे पहले प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद 35-40% ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज किया जाता है यूजुअली, जिसको हम आपके टीथ पर अप्लाई करते हैं। इसको अप्लाई करने के बाद हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइट यूज करते हैं जिससे ये एक्टिवेट होता है और वाइटनिंग और बेहतर तरीके से होती है। तो ये जो वाइटनिंग की साइकिल होती है, ये मटेरियल अप्लाई करने की, ये 8-8 मिनट्स की साइकिल होती है जिनको हम 3 बार कर सकते हैं। तो टोटल टाइम जो इस प्रोसीजर में लगता है दैट इज 45 मिनट्स। 45 मिनट्स में यू आर डन विद दिस और आपको विजिबली वाइटर शेड ऑफ टीथ मिलेगा। अप टू 5 शेड्स ऑफ टीथ हम इसमें वाइट कर सकते हैं। कमिंग टू द साइड इफेक्ट्स, तो इसमें कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है। एक माइनर सेंसिटिविटी हो सकती है, अगर किसी के दांत में थोड़ा सा इट्रीजन है, कुछ दांत घिसे हुए हैं तो उनको थोड़ी बहुत सेंसिटिविटी हो सकती है, अदरवाइज इसमें कोई रिस्क नहीं है। आप ये प्रोफेशनल टीथ वाइटनिंग एवरी 6 मंथ्स करा सकते हैं एंड यू कैन अचीव अ वाइटर ब्राइटर स्माइल। तो प्रोफेशनल टीथ वाइटनिंग जिसमें कि हम एक केमिकल एजेंट यूज करते हैं और उसे लाइट से एक्टिवेट करते हैं, दैट इज द फास्टेस्ट वे टू डू टीथ वाइटनिंग, जिसमें हमें एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हम होम ब्लीचिंग भी कर सकते हैं बट उसमें उतना डिफरेंस आपको टीथ वाइटनिंग में नहीं मिलेगा। तो इफ यू वांट गुड एंड क्विक रिजल्ट, प्रोफेशनल टीथ वाइटनिंग इज द सॉल्यूशन।